नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। अपने रीसेंट बांग्लादेश विजिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मार्च को बांग्लादेश के 50th नेशनल डे सेलिब्रेशन के अवसर पर एक क्लेम या दावा किया, ये कि बांग्लादेश की आजादी के लिए उन्होंने भी सत्याग्रह किया था और वे जेल भी गए थे। उनके एग्जैक्ट शब्द कुछ इस तरह से थे, बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र उस समय करीब 20 या 22 वर्ष की रही होगी, जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी मिला था। यानी बांग्लादेश के आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर थी। उनके क्लेम पर दो तरफे रिएक्शंस हुए। कुछ ने मजाक उड़ाया, भला वे कैसे बांग्लादेश की आजादी के लिए सत्याग्रह कर सकते थे, वो भी हिंदुस्तान में बैठ। इन क्रिटिक्स के हिसाब से दिस वॉज येट अनदर इंस्टेंस ऑफ एन एग्जेजरेटेड क्लेम मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। वहीं दूसरे तरफ उनके समर्थक या उनके एडमायरर्स ने यह कहा कि इससे साबित होता है कि मोदी जी पूरी तरह से राजनीति में आने से पहले ही बहुत ही सेंसिटिव और पॉलिटिसाइज्ड इंडिविजुअल बन चुके थे। Immediately, fact checkers got into the act. What was the truth? Did he actually go to jail in solidarity with the Mukti Bahini freedom fighters? Or was this yet another of those unsubstantiated claims like his graduation degree that is yet to be made public? Is controversy ke center mein main bhi aa gaya जब एक पत्रकार ने मेरा 24 जून 2015 का इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा हुआ आर्टिकल को सोशल मीडिया में शेयर किया। इस आर्टिकल में मैंने लिखा था, मोदीज फर्स्ट नोन पॉलिटिकल एक्टिविटी एज एन एडल्ट वाज इन 1971 व्हेन ही जॉइंड अ जनसंघ सत्याग्रह इन दिल्ली लेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी to enlist for the battlefield. But the government disallowed open support to Mukti Bahini and put Modi in Tihar jail for a short period. This article was written on the eve of the 40th anniversary of the imposition of emergency by Indira Gandhi, and the article traced Modi's political activities around that time or in that period. जून 2015 के पहले सप्ताह में मोदी ऑफिशियल विजिट पर बांग्लादेश गए थे। वहां की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड से पुरस्कृत किया था। मोदी एक्सेप्टेड द ऑनर ऑन बिहाफ ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। इन हिज स्पीच ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज वन ऑफ द ही मीनिंग मोदी वाज one of the young volunteers who came to Delhi to participate in a satyagraha launched by the Jansangh to support Bangladeshi freedom fighters in 1971. Lekin unhone arrest hone ka dawa us waqt 2015 mein nahi kiya tha. Tab ye baat kahan se aayi aur mujh jaise lekhakon ko ya patrakaron ko इसके बारे में जानकारी या इंफॉर्मेशन कहां से मिली?
जब मैं मोदी की बायोग्राफी पर रिसर्च कर रहा था 2011 और 12 में, तब मैंने एमवी कामत की किताब को रेफर किया था, द नेम ऑफ कामत्स बुक, हु वाज अ वेटरन एडिटर एंड अ जर्नलिस्ट, वाज नरेंद्र मोदी, द आर्किटेक्ट ऑफ अ मॉडर्न स्टेट, बिकॉज कामत मेंशन्ड अबाउट मोदीज शॉर्ट डिटेंशन इन दिल्लीज तिहाड़ जेल. I had asked Mr. Modi about the episode during one of my interviews with him at the time when I was working on the book. उन्होंने मुझे on record कहा था, जिसके basis पे मैंने अपने किताब में लिखा कि I would come to New Delhi, I meaning Narendra Modi, would come to New Delhi during those times. There was a satyagraha going on at that time. And I also went and joined the Satyagraha to go and join the war there. But instead of sending us to the war front, the government sent us to the Tihar jail. If I remember correctly, besides the Jansangh and the RSS leaders and workers, even people and leaders like George Fernandez and Madhu Limayji were part of this protest. Newspaper reports of that period show that the Jansangh had organized a 12-day long agitation in August 1971, demanding that the Indian government must officially recognize the provisional government which had been formed and announced by the freedom fighters of what later became Bangladesh formally. Now, mind you, demanding that the Indian government should recognize the provisional government was different from enlisting in the war to go and join the Mukti Bahini workers. Unka arrest definitely bahut natkiye rajnitik event nahi tha jise hum aaj ki tarikh mein romanticize kar sakte hain. Is prakaran mein Modi ke role ko exaggerate kiya gaya. अकीरा कुरोसावा की 1950 की फिल्म रोशोमोन को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से माना जाता है. ओवर द डेकेड द फिल्म्स टाइटल हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर डेली वोकैबुलरी. द वर्ड रोशोमोन और द रोशोमोन इफेक्ट इज यूज्ड टू रिमाइंड पीपल द ट्रुथ इज ऑलवेज रिलेटिव, मेमोरी इज परमानेंटली अनरिलायबल एंड सब्जेक्टिव. जब मोदी को याद ही नहीं कि वे 20 वर्ष के थे या उनकी आयु 22 की थी, तब उनके दूसरे जो क्लेम्स हैं उनको हम कैसे विश्वास कर सकते हैं. तो क्या थी बांग्लादेश की आजादी की कहानी की और उसकी सीक्वेंस क्या थी, क्या था हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सरकार का रोल उस पूरे एपिसोड और पीरियड में. 27 मार्च 1971 को चिटागोंग स्थित क्लैंडेस्टाइन स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र के शाम 7:45 पर मेजर जियाउर रहमान ने ब्रॉडकास्ट किया, दिस इज स्वाधीन भारत बेतार केंद्र एट द डायरेक्टिव ऑफ बंगो बंधु शेख मुजीबुर रहमान, आई हियर बाय डिक्लेयर इंडिपेंडेंट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश एंड डिक्लेयर दैट इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द नेम ऑफ शेख मुजीबुर रहमान. आई कॉल अपॉन ऑल बंगालीज टू राइज अगेंस्ट द अटैक बाय द वेस्ट पाकिस्तान आर्मी. वी शैल फाइट टू द लास्ट टू फ्री आवर मदरलैंड. बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह विक्ट्री वुड बी आवर्स. जॉय बांग्ला. इस ब्रॉडकास्ट के एक दिन पहले 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आजादी की घोषणा कर दी थी. इस घटना के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान सरकार ने पूरे ईस्ट पाकिस्तान में मार्शल लॉ इंपोज कर दिया था. शेख मुजीबुर रहमान had already been flown to Rawalpindi. Along with his imprisonment,
the Pakistani government also launched Operation Searchlight, campaign of genocide in erstwhile East Pakistan. On the night of the 25th of March 1971, death squads were unleashed and 7,000 unarmed, innocent Bengali citizens of Pakistan were killed in one single night. Operation Searchlight ke pramukh lakshya Dhaka University ke shikshak aur chhatra the. Unmein se sainkdon mare gaye. Anthony Mascarenhas, a British journalist based in Pakistan, was the first one to break in the international media news about this genocide. He quoted a Pakistani army major as saying, "This is a war between the pure and the impure. There may be people there having Muslim names who call themselves Muslims, but they are all Hindus at heart." Military crackdown in East Pakistan immediately created a humanitarian crisis for India. Millions of refugees fled to India. It put huge pressure on the Indian government to act immediately. Pradhan Mantri Indira Gandhi ne turant act bhi kiya. Unlike today's government, while dealing with foreign threats and other related diplomatic issues, she immediately called a meeting with leaders of all opposition parties. Sansad mein resolution bhi pass karwaya. Pakistan Sena dwara crackdown ko officially Indian Parliament ne genocide declare kiya. 3 April 1971 ko Indira Gandhi Tajiuddin Ahmed se mili. Ve Sheikh Mujib ke PM nominee the. Unke liye Calcutta mein ek karyalay ki व्यवस्था की गई. साथ ही उनको कहा गया कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो हिंदुस्तान की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस डिवीजन है, उसका समर्थन और सहयोग उनको दिया जाएगा. जनरल सैम मानेकशॉ, जो बाद में जाकर फील्ड मार्शल नियुक्त हुए थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को उस वक्त कैटेगोरिकली कहा, इंडियन आर्मी युद्ध के लिए उस वक्त तैयार नहीं थी, उन्हें कुछ और महीनों की तैयारी करने की जरूरत थी. The Americans had already started being soft on Pakistan. इंदिरा गांधी इसीलिए बांग्लादेश के लिबरेशन फोर्सेस को सीक्रेटली ही सपोर्ट करना चाहती थी. इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाने के लिए उन्होंने अगस्त 1971 में इंडो-सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन साइन किया. इसके पहले 10 अप्रैल को ईस्ट पाकिस्तान के मेहरपुर डिस्ट्रिक्ट के बैद्यनाथ टोला में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश का अनाउंसमेंट किया गया, जिसका एक जो ऑफिस था वो कलकत्ता से उसी ऑफिस में चल रहा था जिसको इंदिरा गांधी ने फैसिलिटेट किया था. हिंदुस्तान सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज लेकिन नहीं किया, यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को कोई रिकॉग्निशन नहीं दी गई. कारण बहुत ही सिंपल था. इट वुड हैव मेंट डिक्लेयरिंग वॉर ऑन पाकिस्तान, फॉर विच द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वर नॉट रेडी एट दैट टाइम. देयर वर डिफरेंसेस विद द जनसंघ ओवर दिस. द पार्टी वॉन्टेड इमीडिएट recognition for the provisional government. It also wanted open support to the Mukti Bahini. These demands were populist but not pragmatic. Immediate recognition and overt support to the Bangladesh freedom fighters would have been counterproductive to India's security as well as to the cause of the liberation of Bangladesh. My 1971 से भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड ने ऑपरेशन जैकपॉट का संचालन किया. इसके तहत भारतीय सेना के जवानों ने मुक्ति बाहिनी के योद्धाओं को
मदद दिया और उनको सप्लाईज पहुंचाने लगे। इंदिरा गांधी ने भी बहुत कोशिश करके सफलतापूर्वक एक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट दुनिया में और प्रो बांग्लादेश फ्रीडम का एक ओपिनियन बनाने में काफी सफलता मिली उनको। भारत के एक्शंस की भी बहुत सराहना हुई। जनसंघ के इंडो सोवियत ट्रीटी को लेकर नुआंस तरीके से उन्होंने उसको अपोज किया। 2 जुलाई 1971 को उन्होंने एक रेजोल्यूशन अपने एग्जीक्यूटिव कमिटी में पास किया। ये कहा गया कि भारत सरकार पाकिस्तान की सरकार को अपीज कर रही है और श्रीमती गांधी हैज प्रूव्ड दैट शी कैन नॉट लीड द कंट्री एंड दैट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री आर नॉट सेफ इन हर हैंड्स। इवेंचुअली हिंदुस्तान पाकिस्तान से युद्ध के लिए दिसंबर महीने में तैयार हो गया। अगर इससे पहले इंडियन आर्मी ऑफेंसिव लॉन्च करती जैसा कि जनसंघ चाहती थी तो शायद 1971 के युद्ध की कहानी और उसका इतिहास कुछ और ही होता। मोदी जी की मेमोरी और हिस्टोरिकल रिकलेक्शन होलिस्टिक नहीं है। इट ऑल्सो सफर्स फ्रॉम द रोशोमोन इफेक्ट ऑफ सीइंग वन्स ओन रोल एज बिगर देन द एक्चुअल चेन ऑफ इवेंट्स। नमस्कार। Thank you.